मूविंग पुली की प्रॉब्लम में पहली पहले सिर्फ देखो एक बार हो क्या रहा है। मान लो ये आपके पास एक ब्लॉक है M1, मान लो ये आपके पास ब्लॉक है M2, और मान लो ये एक रस्सी है यहां से होती हुई, यहां से होती हुई यहां टच कर रही है, और ये अलग रस्सी है M3। ये नॉर्मल जो हम क्वेश्चंस करते हैं उसमें पुली ना एक स्टिक के ऊपर बंधी होती है और गोल गोल घूम रही होती है, लेकिन वो खुद ऐसे मूव नहीं करती, खड़ी खड़ी घूमती रहती है, बस रस्सी उसके ऊपर स्लिप होती रहती है और पुली खड़ी खड़ी घूमती रहती है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? लेकिन ये पुली बंधी नहीं हुई कहीं पर, ये पुली कैसी है, ये घूमेगी और खुद नीचे भी उतरेगी। जब ये मासे नजर आएंगे ये पुली फिक्स्ड है, ये सिर्फ घूमेगी, ये नीचे ऊपर नहीं जाएंगी, ये पुली घूमेगी भी और साथ साथ इसके नीचे भी उतरेगी, इसलिए इसका नाम है मूविंग पुली। तो क्वेश्चन है कि मूविंग पुली के केस में अगर मान लो ये मास को मैं आगे भेजता हूं बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, इस मास को मैं इधर भेजता हूं बाय अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, तो ये पूरा अरेंजमेंट नीचे उतरेगा, कितने डिस्टेंस से नीचे उतरेगा ये क्वेश्चन है, ठीक। और इसका आंसर पता है क्या है? 1 मीटर 3 मीटर डिवाइडेड बाय 2। क्यों? क्योंकि रस्सी इधर भी जा रही है और रस्सी इधर भी जा रही है, डबल फोल्ट है। अब कई बार ये लोगों को नहीं समझ में आती है 2 ये कैसे आधा क्यों किया। इसको समझने के लिए जैसे सपोज एक टेबल से मैं इस मास को नीचे उतार रहा हूं, मेरा हाथ टेबल है और ये नीचे 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 उतर रहा है, और मान लो ये 6 मीटर नीचे उतर गया, क्योंकि रस्सी सीधी जा रही है तो ये 6 मीटर नीचे उतर गई। पर अगर मैं नीचे एक पुली लगा दूं यहां पे और ऐसे कर दूं तो अब ये डिस्टेंस कितना हो गया? सिर्फ 3 मीटर, आधा आधा हो गया, क्योंकि इधर भी आधा इधर भी आधा, यही तो हो रहा है इसमें, तो दो रस इधर से रिलीज कर रहे हैं लेकिन डबल फोल्ड कर रहे हैं। तो आपने आंसर क्या बोलना है? दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2। अब इसमें मान लो क्वेश्चन चेंज हो गया, क्वेश्चन ये हो गया कि अगर मान लो ये ब्लॉक X1 आता है, ये X2 आता है, तो ये पूरा सिस्टम X1 प्लस X2 डिवाइडेड बाय 2 नीचे आता है। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन आ गया कि ये V1 के साथ आता है, ये V2 के साथ आता है, तो ये क्या आएगा? V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि X1 प्लस X2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आएगी, तो क्या आएगा? V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय 2। और सेम शॉर्टकट यहां कॉपी हो जाएगा, अगर ये A1 के साथ आता है और ये ब्लॉक A2 के साथ आता है तो नेट नीचे आने का सिस्टम की एक्सेलरेशन क्या हो जाती है? A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाय 2। तो शॉर्टकट क्लियर है, अगर x आ गया तो x की एवरेज, v आ गया v1 v2 आ गया v2 की एवरेज, और अगर मान लो a1 a2 आ गया तो a1 a2 की एवरेज। तो क्वेश्चन के अंदर ऐसा आएगा, वो नहीं है, वो तो सिर्फ कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन में ऐसा आएगा कि सपोज ये मास आगे आ रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ a और ये स्ट्रिंग यहां पे रेस्ट पे है, तो ये मूव ही नहीं कर रही, तो इसकी एक्सेलरेशन क्या है? 0। तो अगर ये a है और ये 0 है तो ये पूरा सिस्टम इसके लूज करने से नीचे आएगा, उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी? लगाओ शॉर्टकट, a प्लस 0 बाय 2 a बाय 2। ठीक है, अभी शॉर्टकट क्या किया था? अगर ये a1 के साथ ये a2 के साथ तो नीचे आने की एक्सेलरेशन a1 प्लस a2 बाय 2, ऐसी अगर ये a के साथ ये 0 के साथ तो ये क्या आएगा? a प्लस 0 बाय 2। क्लियर है यहां तक? अब कॉपी ओपन करें और डायग्राम ड्रॉ करें। सपोज करो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आएंगे, मान लो ये आपके पास एक पुली है, ये पुली है और सपोज ये एंगल 30 डिग्री है, ये एक मास है, ये मास 2 kg का मास है, ये एक स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, यहां पे एक फिक्स्ड पुली लगी हुई है, ये मूव नहीं होगी, ये फिक्स्ड है। इस फिक्स्ड पुली से ये स्ट्रिंग इधर जा रही है और देखो इधर आ गई, एक इधर आ गई, रादर यहां पे भी एक और पुली लगी हुई है, ये जो पुली है, ये जो पुली है ये मूविंग पुली है, ये मूव कर सकती है, और यही स्ट्रिंग यहां से घूम के, ये देखो यही स्ट्रिंग यहां से घूम के यहां पे आ गई, और यहां पे एक और मास लगा हुआ है M, एक और मास लगा हुआ है M, तो ये मास कितना है? 10 kg का मास है।
ऐसे, ठीक है यहां तक कि 10 kg का मास है। आपको ये बताना है कि जब ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे आएगा, इनकी एक्सेलरेशन और स्ट्रिंग में टेंशन क्या है, ये क्वेश्चन है। एक्सेलरेशन एंड टेंशन क्या है, ये क्वेश्चन है। तो डायग्राम को बनाएं। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर है यहां तक। तो इसके अंदर अगर आप स्ट्रिंग्स की बात करें, ये देखो ये स्ट्रिंग्स हैं, तो सबसे पहला रूल, ये एक रस्सी है ब्लैक कलर की, तो टेंशन की वैल्यू यहां पर विल रिमेन सेम, टी एंड टी, टी एंड टी, टी एंड टी, ये टी, ये टी और ये भी टी। इसका जो वेट है नीचे की तरफ एक्ट करेगा कितना, 10 g, तो ये कितना है 10 g। ये डायग्राम तो हर हालत में बनना ही बनना है जिसके अंदर ये जो वेट है ये कितना kg है, ये 2 kg है, तो ये 2 g है, ये वेट जो है 2 g है। यहां से ये लो, यहां से ये लो, तो ये जो है 30, तो ये भी कितना है 30 degree, तो ये क्या है 2g इंटू कॉस ऑफ 30, ये कितने 2g इंटू साइन ऑफ 30 और ये नॉर्मल रिएक्शन n। तो ये डायग्राम सारे क्लियर हैं, ठीक है। देखो रूल्स हैं डायग्राम बनाने के, ऐसे नहीं है और ये भी नहीं है कि कोई एक डायग्राम छोड़ देंगे वेक्टर तो चलो काम चल जाएगा, चलेगा ही नहीं। आपको पता होना चाहिए कि ये रूल्स क्या है इसके। समझ में आ रहे हैं यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? ठीक है, डायग्राम क्लियर बनाना है, ठीक। गलती होगी नया डायग्राम बना लेना, नहीं तो और गलती हो जाएगी। अब होगा क्या, अब आंसर दें, इस स्ट्रिंग में और इस स्ट्रिंग में टेंशन सेम है कि डिफरेंट है ना? एक रस्सी एक टेंशन, दो रस्सी अलग अलग टेंशन। ये रस्सी का इससे लेना देना ही नहीं है, ये एक स्ट्रिंग है और ये अलग स्ट्रिंग है, तो यहां टेंशन सेम हो नहीं सकती। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये करवाया भी था, ये देखो ये पुली है, ये पुली है, ये मास है M1 अगर आपको याद हो, ये मास है M2 अगर आपको याद हो, M1 एंड M2, और ये एक अलग रस्सी थी याद करो, और मैंने क्या सिखाया था, ये TNT है, ये TNT है, तो यहाँ पे टेंशन कितनी है 2T एंड 2T है, याद है थ्रस्ट ऑन दी पुली। तो आप चेक भी कर सकते हो अपने फॉर्मूला रजिस्टर में, एंट्री भी कर रखी है इसकी 2T, याद है यहाँ पे रस्सी पे टेंशन 2T होती है, क्लियर है? नहीं याद है? कैसे किया था, ऐसे किया था, ये फ्री बॉडी डायग्राम है इसका। फ्री बॉडी डायग्राम से नीचे की फोर्स क्या है, TNT है, ऊपर की फोर्स T- है, क्योंकि पुली किस पे है, एट रेस्ट पे, तो ऊपर की फोर्स मस्ट बी इक्वल टू नीचे की फोर्सेस, तो यहां पर हमेशा टेंशन डबल होगी। कोई डाउट इसमें? तो अब उसी तरीके से अगर मैं यहां पे पूछूं, ठीक उसी तरीके से अगर मैं यहां पूछूं टेंशन क्या होगी, तो आप टेंशन बोलेंगे यहां पे होगी 2T एंड 2T, तो ये टेंशन की वैल्यू है 2T एंड 2T, तो ये टेंशन 2T और ये टेंशन भी 2T पेयर में। कोई कहते हैं कि इसको जरा प्रूव करके दिखाओ ये 2T कैसे है, तो मैं फिर से फ्री बॉडी डायग्राम से प्रूव कर सकता हूं। देखो कैसे, ये मेरी एक पुली है, पुली के फ्री बॉडी डायग्राम में इमीडिएटली ऊपर की फोर्स टी है, ऊपर की फोर्स टी है, इमीडिएटली नीचे की फोर्स मान लो T- है। करें स्टार्ट, ये पुली कहां उतर रही है, नीचे उतर रही है, ये तो रेस्ट पे भी नहीं है, ये तो कहां उतर रही है, नीचे उतर रही है, और अगर ये नीचे उतर रही है तो T- को तो बड़ा होना पड़ेगा 2T से, तो बड़ी फोर्स माइनस ऊपर की फोर्सेस इज मास इनटू एक्सेलरेशन। प्रॉब्लम ये है कि सारी पुलीज क्या है, मासलेस हैं, तो मास क्या पुट करेंगे, जीरो, तो T- फिर से क्या आ गया,
टूटी। आपसे कोई ना पूछेगा ये, आपको तो सीधा शॉर्टकट ही मारना है कि अगर ये टीएनटी है तो ये टूटी टूटी है, कोई डाउट इसमें? हाँ, टी प्लस टी, दो वेक्टर ऊपर है, वेक्टर से है, दो वेक्टर ऊपर है, टीएनटी टूटी, नेट फोर्स ऊपर की तरफ टूटी है, नीचे की तरफ टी डैश है, तो ऊपर और नीचे की फोर्स बराबर की हुई है। पर आप थोड़ी ना इतनी तो आपको वो तो आपकी क्वेश्चनिंग आंसर दे रहा हूं मैं, ऐसा क्यों हुआ? आपसे थोड़ा कोई पूछ रहा है ऐसा क्यों हुआ, आपको तो सीधा डायरेक्ट क्या मार्क करना है, टीएनटी देखते ही टूटी टूटी। क्लियर है यहां तक? तो इसके अंदर नेक्स्ट जो है काम क्या करना है हमने, ये देखो इसमें मुझे एक चीज का आंसर दें कि अगर ये ब्लॉक ऊपर आ रहा है विद एन एक्सेलेरेशन ऑफ ए, तो ये रस्सी नीचे उतर रही होगी विद एन एक्सेलेरेशन ऑफ ए, और ये रस्सी किस पे है, एट रेस्ट जीरो, तो बताओ ये कितनी एक्सेलेरेशन से नीचे उतरेगा, ए प्लस जीरो बाई टू यानी कि ए बाई टू। अभी शॉर्टकट करवाया था, अगर ये ए है अगर ये जीरो है तो ये सिस्टम कैसे उतरेगा, ए बाई टू, ऐसे ही है, अभी हमने जो अभी थ्योरी की थी यही शॉर्टकट था। लेकिन वो तो आपको सिर्फ समझाने के लिए था, मैं जो शॉर्टकट लगाता हूँ वो नहीं लगाता, जो मैंने सिखाया आपके आपको सिखाया वो नहीं लगाऊंगा, मैं एक शॉर्टकट और बनाता हूँ जिन क्वेश्चन में पुली मूव करती है, जैसे क्वेश्चन है उन क्वेश्चन में जहां टेंशन डबल दिखाई देगी वहां एक्सेलेरेशन आधी हो जाएगी ए बाई टू, शॉर्टकट इसी तरह। जैसे अगर ये ए एक्सेलेरेशन है जहां टेंशन टी है, जहां टेंशन टूटी होगी उस ब्लॉक की एक्सेलेरेशन हमेशा ए बाई टू ही होगी, जब मर्जी कर लो, या तो ऐसी याद कर लो जैसे मैंने किया हुआ है जहां टूटी है वहां ए बाई टू कर लो, या फिर वही एक्सप्लेनेशन लो जो अभी थोड़ी देर पहले सिखाई थी, अगर ये ए है ये जीरो है तो ये सिस्टम ए प्लस जीरो बाई टू से नीचे उतरेगा, एक ही बात है। तो स्टेप समझ में आ रहे हैं, यहां टेंशन डबल है और यहां एक्सेलेरेशन हाफ होती है हमेशा, कोई डाउट इसमें? अब अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो ये मेरा एक डायग्राम बनेगा इसके ऊपर और नीचे की फोर्सेस, और ये मेरा दूसरा डायग्राम बनेगा इसके नीचे और ऊपर की फोर्सेस। तो बोलो क्वेश्चन, इस इक्वेशन बोलो, ये नीचे आ रहा है टेन जी बड़ा है और टू टी छोटा है, बोलो इक्वेशन, टेन जी माइनस टू टी इज टेन इंटू, बोलो एक्सेलेरेशन कितनी है ए बाई टू, क्या स्टेप क्लियर है? तो टेन जी माइनस टू टी इज टेन इंटू ए बाई टू। अब सेकेंड इक्वेशन बोलो, इसके लिए ये ऊपर जा रहा है तो टी बड़ा है और ये छोटा है, इक्वेशन टी माइनस टू जी साइन थर्टी इज टू इंटू ए, ए बाई टू नहीं, अब ये इक्वेशन क्या है ए। स्टेप समझ में आ रहा है यहां तक? तो एक इक्वेशन इसके लिए, एक इक्वेशन इसके लिए, इसकी एक्सेलेरेशन ए बाई टू है, इसकी एक्सेलेरेशन ए है, तो ये स्टेप क्लियर है? इन्हें साइमल्टेनियसली अगर सॉल्व करना है तो यहां पे 2t चल रहा है या t चल रहा है, तो दोनों साइड्स को इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क ना पड़ता, तो क्या इक्वेशन बनेगी, 2t माइनस 4g साइन 30 इज इक्वल टू 4 इंटू ए। तो ये इक्वेशन एक 2 से मल्टीप्लाई कर लिया सबको, और एक इक्वेशन ये, इन दोनों को सॉल्व करो, 2t 2t कैंसिल, तो 10g माइनस 10g माइनस 4g साइन ऑफ 30, इन्हें ऐड करेंगे 4a और ये तो कट गया, कितना आ गया 5a प्लस 4a कितना हो गया 9a, तो सॉल्व करके क्या आएगा a, और a की वैल्यू को जहां मर्जी पुट कर देना क्या जाएगी टेंशन t, तो a और t कैसे निकलेगा समझ में आ रहा है यहां तक? मेन बात इक्वेशन को सॉल्व करने का थोड़ी ना है, मेन बात तो है कि जो ये कॉन्सेप्ट लगा 2t एक्सेलेरेशन a बाई टू। तो क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है कि क्या लॉजिक लगेगा इसमें? साइन 30 तो शायद हाफ होता है,
में आ रहे हैं यहाँ तक कि कैसे करना है, तो एक क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। ये लो क्वेश्चन ये है, सपोज ये एक स्ट्रिंग है, ये एक पुली है, ये स्ट्रिंग घूम के यहाँ पे आ रही है, ये मास है, ये लो, ये मान लो 2 kg का ब्लॉक है, ये मान लो एक मूविंग पुली है, गिवन है क्वेश्चन में, ये मूव कर रही है, ये एक ब्लॉक है, इसके ऊपर फोर्स लग रही है 100 N, और ये 10 kg का ब्लॉक है। आपको बताना है कि एक्सेलरेशन क्या होगी और टेंशन क्या होगी हर ब्लॉक की, और हर स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगी, ये क्वेश्चन है। सब ग्राउंड पे है, ये सब ग्राउंड पे चल रहा है। क्या करना है इसमें, मुझे साथ साथ आंसर दो। ये स्ट्रिंग एक है ग्रीन कलर की पूरी घूम के आ रही है, तो टेंशन की वैल्यू इसमें क्या रहेगी, सेम। तो ये टी, ये टी, ये टी और ये टी, पर यहाँ टेंशन क्या हो जाएगी, डबल। बताया था ना इस हिस्से में टेंशन क्या हो जाती है, डबल। तो ये क्या हो जाएगी, 2T and 2T। क्या स्टेप यहाँ तक क्लियर है, उस हिस्से में डबल है, यहाँ पे टेंशन टी है, अभी दिखाया ना ये टी एन टी, तो 2T। कोई डाउट है इसमें? अब ये बताओ, ये पूरा सिस्टम, ये ब्लॉक कहाँ जा रहा है, राइट, पुली भी कहाँ जाएगी, मूवेबल है, राइट, वो भी खींच रहे हो, तो ये ब्लॉक कहाँ जाएगा, राइट की लेफ्ट, राइट जाएगा, तब ये भी राइट, वो भी राइट और वो भी राइट, कोई लेफ्ट नहीं जाएगा, तो सब आगे चलते जाएंगे। क्वेश्चन तो आगे पुल कर लेके जा रहा हूं, तो ये क्वेश्चन है कि ये कहां जाएगा ब्लॉक, जब इसको वहां खींचूंगा, राइट की लेफ्ट, हाँ वो बंधी हुई है, तो फिर ये राइट की लेफ्ट, जिन्होंने राइट बोला वो सही बोला, राइट ही है, राइट है। ये मान लो, ये मान लो एक ये बंधा हुआ है, तो ये बंधा हुआ है, ये बंधा हुआ है, इमेजिन करो यहाँ पे एक पुली है, मेरा हाथ पुली बना हुआ है, और ये वो मास है, ऐसे लेते हैं ये लोग, ये वो मास है, ये प्लग नीचे वाला जो मूव कर सकता है, ऊपर वाला मूव नहीं करेगा, नीचे वाला मूव करेगा, तो ये मेरे हाथ में पुली है, खींचू राइट, प्लग कहाँ गया, राइट, लेफ्ट तो नहीं गया, आपके सामने है, देखो जब मैं खींचूंगा नीचे वाला प्लग, राइट, ठीक है, तो राइट जाएगा, आपने सही बोला, ये तो ये राइट ही जाएगा। चलो फ्री बॉडी डायग्राम देख लेते हैं, तो फ्री बॉडी डायग्राम से अगर ये ए के साथ राइट जाएगा, तो बोलो ये ए बाय टू के साथ राइट जाएगा, ऐसा क्यों, क्योंकि जहां टेंशन डबल है वहां एक्सेलरेशन हाफ है, शॉर्टकट। तो ये बन गया इसका फ्री बॉडी डायग्राम, ये बन गया इसका फ्री बॉडी डायग्राम, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, T इज इक्वल टू 2 into A, और उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, 10 kg का मास आगे जा रहा है, तो 100 - 2T इज इक्वल टू 10 into A by 2, सेकेंड इक्वेशन, तो ये 5 हो गया, तो कितना आ गया, 100 - 2T इज इक्वल टू 5A। क्यों ना इस T को उठा के यहां पुट कर दें, तो 100 - 2 into 2A इज इक्वल टू 5A, 100 = 9A, A इज 100 / 9, ये लो, तो A की क्या आ गई, वैल्यू आ गई 100 / 9। कोई डाउट इसमें, A आ गया, इस A की वैल्यू को यहां पुट करके किसकी वैल्यू आएगी, टेंशन T की वैल्यू आएगी, कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक,
तब तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, साइमल्टेनियसली सॉल्व तो कर ही लेंगे आंसर। क्या ये पॉइंट यहाँ तक समझ में आ रहा है?